नमस्कार दोस्तों, हाइपर वन। क्या ये हाइपरवर्स का ही नया चेहरा है, क्या ये हाइपरवर्स से ही संबंधित है, या ये बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है? दोस्तों, जब से ये प्रोजेक्ट मार्केट में आया है तब से ही इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हाइपरवर्स और हाइपर फंड और तो और हाइपर नेशन, इन सब पर भी लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। और उन दो कम्युनिटी के बीच हमेशा से ही बहस चलती आई है, जो इस प्रोजेक्ट के समर्थन में थे और जो इस प्रोजेक्ट को स्कैम बताते थे। जो लोग इससे जुड़े थे सबका ये कहना था कि ये प्रोजेक्ट अब तक का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नकारते हुए इसे एक बहुत बड़ा स्कैम बताते थे, जिनमें से बहुत से तो क्रिप्टो एक्सपर्ट भी शामिल थे। यस, खैर, इस कंपनी के कारनामे ही कुछ ऐसे थे कि कोई भी असमंजस में पड़ जाए कि आखिरकार भाई ये कंपनी करना क्या चाहती है यार। एक तो हर चार दिन के बाद में कंपनी अपना नाम चेंज कर लेती है, क्या यार। फिर कभी विड्रॉल इशू, फिर कभी कोई और इशू, और न जाने क्या क्या मीटिंग्स होती रहती हैं, क्या क्या चलता रहता है, लेकिन बाहर जब आता है तो इशूज ही बाहर आते हैं। चलिए फिलहाल हाइपर वन के बारे में बात कर लेते हैं। लोग इसे हाइपरवर्स से ही जोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जो सीईओ हैं, जो इस प्रोजेक्ट के फाउंडर हैं, वो और कोई नहीं बल्कि सैम ली खुद हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन 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 हमें एक और खबर मिली है इसी से संबंधित कि सैम ली ने हाइपरवर्स से इस्तीफा दे दिया है। ये एक नई खबर है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हाइपरवर्स से जुड़ा है भी और नहीं भी, क्योंकि सीईओ तो वही है ना, और क्या। लेकिन अब वो हाइपरवर्स से अलग हो चुके हैं। तो दोस्तों, आइए जरा एक बार देखते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या है और क्या क्या प्लान्स हैं इसके, और क्या नया है इस प्रोजेक्ट में, और कुछ नया है भी कि नहीं है, कि सारा कुछ वही पुराना वाला मटेरियल, पैकेजिंग नहीं। चलिए, आज के इस वीडियो में हाइपर वन से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी चीज आपसे छूट जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है द फाइनेंशियल एडवाइजर, और हमारा गोल तो आपको पता ही है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, और क्या। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी जानकारी भरी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, हाइपर वन एक डिसेंट्रलाइज्ड और ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी है, जिसे अपने साथ साथ दूसरे ब्लॉकचेन नेटवर्क के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा के लिए बनाया गया। चलिए, ये तो हो गई एक बेसिक सी जानकारी। अब एक और चीज, जो लोग हाइपरवर्स के साथ जुड़े थे उन्हें तो मालूम ही होगा कि सैम ली कौन है और वो क्या चाहते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, मैं उनके लिए बता दूं कि सैम ली ब्लॉकचेन ग्लोबल लिमिटेड के फाउंडर के साथ साथ सीईओ भी हैं, जो कि एक प्रॉफिटेबल टेक्नोलॉजी की कंपनी है। इन्होंने और इनकी कंपनी ने दर्जनों बड़ी बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि आज ग्लोबल ब्लॉकचेन मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट्स बना रही हैं। चलिए अब वापस आते हैं हाइपर वन पर। देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हाइपर वन एक टोकन है जिसका नाम है हॉट। जी हाँ, एच से हाइपर, ओ से वन और टी से टोकन, तो आप कह सकते हैं हॉट है ना। देखिए, कुछ भी कहिए भाई, लेकिन नाम तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया रखा है। मतलब एक बार जो सुन लेना उसके दिमाग में छप जाएगा ये नाम। कौन सा कॉइन लिया है भाई? मैंने हॉट कॉइन लिया है, हॉट कॉइन लिया है। यस, तो दोस्तों हॉट असल में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की एक क्रिप्टो करेंसी है, जिसका काम है ब्लॉक बेस्ड तथा ब्लॉकलेस ब्लॉकचेन सिस्टम को लिंक करना। यानी हाइपर वन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसके माध्यम से अलग अलग ब्लॉकचेन आपस में कनेक्ट हो पाएंगे, और तो और डेटा और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान भी बिना किसी रोक टोक के होगा। ये सब तो ठीक है यार, अब ये बताओ कि इससे हम पैसा कैसे बना सकते हैं? मुद्दे की बात तो यही है। अरे अरे जनाब, थोड़ा सब्र तो करिए, हम इसीलिए तो बैठे हैं, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि बिना इस बात को जाने कि कंपनी क्या करना चाहती है, उसके वर्किंग प्लान्स क्या हैं, उसका मोटिव क्या है, आप उसमें पैसा लगाने के बारे में मत सोचिए, पहले जानिए, नहीं तो फिर वही तुक्के वाली बात हो जाएगी, प्रॉफिट हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो पैसे फुर्र, यानी कंपनी गायब और क्या। चलिए अब आ जाते हैं पैसों की बात पर, कि आप इस प्लेटफॉर्म से किन किन तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। तो यहां से पैसा कमाई करने के कई तरीके हैं। पहला है द हाइपर वेल्थ एडवांटेज, इससे आप कमा सकते हैं पूरे 12 लेवल बेस्ड डाउनलाइन अर्निंग से। इसके बाद आता है हाइपर वन रेफरल बोनस, जिसमें वही पुरानी चीज है, आप अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को, सखे संबंधियों को
रेफरल लिंक के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करें और उस पर रेफरल बोनस पाओ। सीधा सा हिसाब है यार, आजकल सब करते हैं। और यही नहीं, इसके बाद आता है हाइपर वन इनहांस अमाउंट, जिसमें आपको अपनी एक टीम बनानी होती है। और इसमें होता यह है कि आप जितनी ऊंची पोजीशन पर होंगे उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। इसके बाद है हाइपर वन एनएफटी माइनर स्टेक रिवॉर्ड्स, ये आपके स्टेकिंग रिवॉर्ड्स होते हैं, यानी कि जो आप टोकन या एनएफटी लेंगे उस पर जो इंटरेस्ट और रिवॉर्ड्स होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। और दोस्तों आखिर में आता है हाइपर वन रॉयल्टी, इसमें होता यह है कि आप अगर टॉप लेवल अचीवर बन जाते हैं तो आपको कंपनी की वीकली सेल्स में से 10% एज अ रॉयल्टी आपके साथ साथ बाकी टॉप लेवल अचीवर्स के बीच बांट दी जाएगी। तो अब आप कहेंगे कि यार इनसे जुड़ने के लिए क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल है, आप इनकी वेबसाइट पर जाइए जो कि है hcash.one और वहां पर जाकर सिंपली आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद सिंपली हाइपर एनएफटी को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के लिए आपको देने होंगे $100 जो कि बनते हैं सीधा 8,000 रुपए। और इस डॉलर के पैकेज में आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाला है चलिए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो जिस दिन आप $100 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसी दिन से आपके खाते में 0.5H1 यूनिट्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे और ये सिलसिला 400 दिन तक चलेगा, यानी कि हर दिन 0.05H1 400 दिन तक के लिए आपके उसमें ऐड होंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक H1 की कीमत होती है $1, यानी कि हर दिन $0.5 तो आपको रिटर्न मिलता ही रहेगा। इसके अलावा एक और बहुत ही बढ़िया चीज है जिससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, वो है रेफरल, वही जो मैंने आपको बताया ना, अपने सगे संबंधियों को इनवाइट करना। जिस भी व्यक्ति को आप अपने रेफरल लिंक के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करते हैं वो अगर शख्स ज्यादा नहीं सिर्फ $100 का पैकेज खरीदता है तो आपको इसके लिए 100 हाइपर पॉइंट्स मिलते हैं। और कमाल की बात पता है क्या है, कमाल की बात यह है कि 1 HRP की कीमत होती है $5 से $20 के बीच। और अब आपके मन में आखिरी सवाल जो आ रहा होगा, मैं जानता हूं क्या है, वो यही कि आखिर ये टोकन किन किन एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। देखिए फिलहाल ये किसी नामी एक्सचेंज पर तो लिस्टेड नहीं है, मतलब बाइनेंस वगैरह वगैरह जैसे एक्सचेंजेस पर अभी तो नहीं आया है, लेकिन ये इनका दावा है कि ये जल्द ही आ जाएगा। हालांकि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको ये लिस्टेड मिल जाएगा, जैसे कि OKX, बायथम, gate.io, बिटकैन और ऐसे कई एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। तो इसी के साथ ही दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहां अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। खैर हमें यह भी बताइए कि आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या विचार हैं और क्या आप इसमें इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं, बताओ यार कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।